लेकिन चूंकि हमें भारतीय जनता पार्टी को हराना था, इसलिए पार्टी आला कमान ने प्रदेश नेतृत्व और हमारे प्रभारी के ऊपर ये बात छोड़ी कि आप देख लीजिए, हमारा पहला उद्देश्य होना चाहिए कांग्रेस जीते, हमारा दूसरा उद्देश्य होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन जीते, और हमारा तीसरा उद्देश्य, ये दोनों अगर पूर्ति नहीं हो रही हो तो फिर हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद हार करके उनकी सीटें कम आए। इसलिए हमने जब गठबंधन भी नहीं हुआ, कांग्रेस भी जीतने की स्थिति में ये नेता बैठे, तमाम जितने नेता बैठे हैं, एक एक को 50-50 बार पूछा कि आप बताइए। आम आदमी को पूछा नहीं जा सकता, इनको कहा कि क्या बताइए, आप कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ेंगे? सबने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं साहब, क्योंकि जो स्थितियां पैदा हुई थी उसमें आपने देखा होगा कि उसी नेता को हमने सब कुछ दे रखा था, और वो नेता जब चला गया तो इनको क्या दोष दें। इन्होंने कहा कि साहब कैसे भी बीजेपी को हराओ, जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है और जो देश के हित में है, लोकतंत्र के हित में है, वो काम हमको करना चाहिए। और हमने पार्टी आला कमान से सहमति लेकर के प्रभारी जी ने और हमने प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने यह निर्णय लिया कि हमें बीजेपी को हराने के लिए राजकुमार रो को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि बीटीपी या बाप हमेशा एक बात कहती रही है कि हम बीजेपी में मरे नहीं जाएंगे, बीजेपी की रीति रीति में विश्वास नहीं करते। तो हमने ये सोच करके कि भाई कम से कम भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद कम होगा और ये कभी जिंदगी में बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो कम से कम देश को विभाजन करने वाली ताकतों को मजबूती नहीं मिलेगी। ये तो था बैकग्राउंड हमारा एमपी में देने का।